हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में क्लास टेंथ का साइंस का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर नंबर 12, उसके अंदर जो क्वेश्चन करने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम यहाँ पर इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर हम एक वायर की लेंथ इंक्रीज कर दें तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या चेंज होता है और कितना चेंज होता है, न्यूमेरिकली सीखेंगे। ठीक है, अगर एरिया चेंज करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस पर कितना चेंज होता है वो भी न्यूमेरिकली सीखेंगे। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीखना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरे चैप्टर की वीडियो देख सकते हैं बेटा। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो आइए, हमारे पास जो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है वो क्या होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। मैं आपको हर एक पॉइंट सिखाऊंगा बेटा। ये फॉर्मूला आपने कब लगाना है, ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब आपको रेजिस्टिविटी गिवन हो, लेंथ गिवन हो, एरिया गिवन हो और आपको रेजिस्टेंस निकालना हो, या फिर आपको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टिविटी दी हो है, एरिया दिया हो, लेंथ निकालना हो। तो ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब इनमें से कोई तीन क्वांटिटी आपको गिवन होगी और फोर्थ क्वांटिटी आपको निकालनी होगी, ये तब लगाएंगे आप फॉर्मूला। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम तो क्या करेंगे, लेंथ चेंज करने वाले हैं। अभी लेंथ हमने डबल कर दी, लेंथ हमने हाफ कर दी, उस केस में क्या चेंज होने वाला है बच्चों, हमें वो सीखना है। तो देखिए भाई, सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट है और हम वो खींच दें, स्ट्रेच कर दें, यानी कि जैसे मेरे पास ये मार्कर है और मैं इसको स्ट्रेच कर दूँ, तो स्ट्रेच करने से क्या फ़र्क होगा, इसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाएगी, इसकी जो थिकनेस हो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर हम इसकी लेंथ इंक्रीज करते हैं तो एरिया डिक्रीज हो जाता है। अब हमें ये तो नहीं पता कि एरिया कितना डिक्रीज होगा, अब हम बोलते हैं लेंथ तो हमने 3 times कर दी, एरिया का तो कोई कंसेप्ट नहीं उसके साथ, भाई एरिया हाफ होगा, एरिया कितना होगा। तो हमें यहाँ पर क्या सीखना है, हम इसको कंप्रेस करें, स्ट्रेच करें, एक क्वांटिटी यहाँ पर सेम रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। वो क्वांटिटी कौन है, वो इसका वॉल्यूम है बच्चों, वो क्या इसका वॉल्यूम है। ये मार्कर तो उतना ही रहेगा ना, मार्कर पे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जितना इसके अंदर मैटर उतना ही रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या, हमारे पास एक क्वांटिटी आगे जो फिक्स रहती है वो क्या होती है, वॉल्यूम। तो हमने लिख दिया कि वी का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। ठीक है, कोई भी एरिया और एक लेंथ, ठीक है, ये लेंथ कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हाइट भी हो सकती है, विड्थ भी हो सकती है, या लेंथ भी हो सकती है, यानी कि एक डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से अगर आपको लेंथ में ही चाहिए कि आप लेंथ चेंज करेंगे तो यहाँ से आप एरिया की वैल्यू निकालो, लेंथ डिवाइड में चला गया तो वी अपॉन एल किसके इक्वल आ गया, ए के। ठीक है, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन 2 का यूज़ करेंगे फर्स्ट में। आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, और वी गेट आर एज इट इज़, रो एज इट इज़, कोई चेंज नहीं होगा, एल का कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एल एज इट इज़ रहेगा। हमने किसकी वैल्यू पुट किया, ए की, और ए की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, वी अपॉन एल। अब क्या होगा, ये एल ऊपर जाके एल से मल्टीप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो एल जब एल से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आएगी, क्या बनेगी इक्वेशन, आर इक्वल टू रो एल स्केयर अपॉन में वी। ठीक है, आर इक्वल टू रो एल स्केयर अपॉन में वी, ये हमारे पास बनने वाला है। ठीक है, ये डाटा आपके पास आ जाएगा। अब उसके बाद जो टॉपिक है नेक्स्ट, ये क्या बनाया हमने, ऐसा फॉर्मूला बना लिया जिसके अंदर रेजिस्टेंस सिर्फ लेंथ पे डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि रेजिस्टिविटी फिक्स है, नेचर पे डिपेंड करती है। वायर को स्ट्रेच करेंगे, दबाएंगे तो उसका नेचर तो चेंज नहीं होने वाला ना, नेचर तो नहीं रहने वाला है। उसके बाद वॉल्यूम सेम रहता है। अब वॉल्यूम क्या होता है, जो उसके अंदर क्वांटिटी प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट है, वो तो सेम रहेगा, उसका वॉल्यूम भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इसका मीनिंग क्या, रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ लेंथ पे। एक फॉर्मूला हमने ये ड्राइव कर लिया। ठीक है, इसको आप स्टार्ट डाल लीजिए, इसकी बड़ी जरूरत पड़ने वाली है हमें आगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं, अगर आपको अब लेंथ की जगह ना एरिया चेंज करना है, अब आप लेंथ नहीं चेंज करेंगे, अब क्या चेंज करेंगे, आप एरिया चेंज करेंगे, उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में दोबारा फिर सेम वर्क करना पड़ेगा आपको। ठीक है, आर लिखेंगे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लेंगे। फिर आप लिखेंगे वी इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, इसको अभी मत डालो, यहाँ से आप क्या करें, एल की वैल्यू निकाल लें,
तो एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो वी अपॉन में ए आ गया, ये किसके कुल हो गया, एल के, इसको इक्वेशन नंबर टू डालिए। यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो क्या आएगा, आर इक्वल टू रो, आपने किसकी वैल्यू निकाली, एल की, एल की वैल्यू पुट कर दीजिए जो क्या है वी अपॉन में ए है, अपॉन उसके अपॉन में क्या है एरिया है, ठीक है। तो क्या हुआ, आर रो वी एज इट इज़, ये एरिया नीचे आ गया तो क्या बन गया, एरिया का स्केयर बन गया, एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। तो मैंने ना आर के तीन फॉर्मूले आपको बता दिए, तीन फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए, एक ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है बच्चों, और थर्ड ये है। अब तीनों का यूज़ सीख लीजिए, कौन सा कहाँ पर लगाना है, इसका यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ। इसका कब लगाना है, आपने इसको कब लगाना है, जब आपको बोलेगा कि हमें एक वायर दियो इसकी लेंथ चेंज कर दो तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, ठीक है। एक मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूँ आपको, देखिए क्या करेंगे हम न्यूमेरिकल में, आपको सिखाता हूँ न्यूमेरिकल, देखिए स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्वेश्चन लिखता हूँ, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ इट्स लेंथ बिकम्स डबल, इफ इट्स लेंथ बिकम डबल टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। देखिए क्या स्टेटमेंट है, कहते हैं एक वायर है उसका रेजिस्टेंस कितना आएगा नया अगर उसके हम लेंथ क्या कर दें, डबल कर दें पहले वाली लेंथ से। तो देखिए अभी मान लेते हैं पहले उसका रेजिस्टेंस आर था, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो थी, लेंथ उसकी एल थी, एरिया उसका सॉरी वॉल्यूम उसका वी था, यानी कि एल स्केयर अपॉन में वी वाला, ये फॉर्मूला लगाएंगे हम ये वाला, ठीक है, क्योंकि हमें लेंथ चेंज करनी है। तो इसको हमने लिखा इक्वेशन नंबर वन। अब दूसरी कंडीशन क्या है, नया रेजिस्टेंस आएगा आर डैश, रेजिस्टिविटी वही रहेगी क्योंकि वायर का नेचर चेंज नहीं होगा, कॉपर की तो कॉपर की ही रहेगी, चाहे लेंथ इंक्रीज करे चाहे डिक्रीज करे। लेंथ कितनी करनी है, डबल करनी है, पहले एल थी अब कितनी होगी 2L, और लेंथ का क्या होता है स्केयर, अब 2L का स्केयर हो जाएगा एल के प्लेस पर, और वॉल्यूम क्या रहेगा सेम रहेगा चाहे आप लेंथ इंक्रीज करें चाहे डिक्रीज करें। तो यहाँ से नया रेजिस्टेंस क्या है, देखिए रो, 2 का स्केयर किया हमने 4 आ गया, L का स्केयर किया तो L स्केयर आ गया अपॉन में V, तो R डैश बन गया 4 रो L स्केयर अपॉन में V, ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, ये जो मेरे फैक्टर ब्रैकेट में लिखा हुआ है रो एल स्केयर अपॉन में वी, ये किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखें ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, ये इक्वल है आर के, ये किसके इक्वल है सारा फैक्टर आर के। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि नया रेजिस्टेंस 4 टाइम है ऑफ पुराना, नया रेजिस्टेंस 4 टाइम हो गया पुराने रेजिस्टेंस के। तो ये आपका न्यूमेरिकल था बच्चे से रिलेटेड जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। अब आप आंसर को याद रखना बड़े आसानी सीख सकते हैं, भाई आंसर मैं आपको याद कराना सिखा सकता हूँ, आंसर कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिया होगा, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, ऐसे एक नंबर दिया होगा, ठीक है। आपने क्या करना, उस नंबर का स्केयर कर लेना बस, जैसे डबल किया तो डबल का स्केयर करेंगे तो कितना आएगा 4, तो आपका नया रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा पुराने के। अगर उसको हाफ करना होता तो हाफ का स्केयर करो 1/4, तो आपका नया रेजिस्टेंस हो जाता पुराने का 1/4 टाइम, ठीक है। अगर 3 टाइम करना होता है तो 3 का स्केयर करो 9, तो आपका नया रेजिस्टेंस आ जाएगा पुराने का 9 टाइम। क्लियर बच्चों सभी को, कुछ भी हो अगर कह देता है लेंथ को 5/6 टाइम कर दो, 6/5 टाइम कर दो, तो नया रेजिस्टेंस क्या आएगा, नया रेजिस्टेंस आएगा 36/25 ऑफ पुराना। अब पुराना रेजिस्टेंस वो काउंटिंग में भी दे सकता है, आपको कह सकता है कि पहले रेजिस्टेंस 100 था, पहले रेजिस्टेंस कितना था 100 था, तो नया रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो यहाँ पर पुराना रेजिस्टेंस कितना 100 है वो रख दीजिए, तो आपका आर डैश कितना आ जाएगा 36/25 × 100, 25 फोर जा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 144 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144 ओम। ऐसे बिल्कुल आसानी से आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि लेंथ डबल कर दो, लेंथ हाफ कर दो। मैंने आपको ट्रिक ही सिखा दी है, आंसर तो आपका एक मिनट में आ गया, कहता है हाफ कर दो तो 1/4 हो गया समझ लो पुराने का, कहता है डबल कर दो तो 4 टाइम हो गया, कहता है 5 टाइम कर दो तो नया रेजिस्टेंस 25 टाइम हो गया। आप इसको ऐसे बड़ी आसानी से बच्चों कर सकते हैं, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बिल्कुल भी किसी तरह की।
ठीक है। तो ये आपका एक बड़ा अच्छा टॉपिक था, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ में लिखते रहा करो बेटा स्क्रीनशॉट, ठीक है, इससे आपको बाद में दिक्कत ना आए फ्यूचर में, तो इसको बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। तो इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।